नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीपी 24 न्यूज। मैं हूं विराट दुबे। आइए रुक करें आज की बड़ी खबरों की ओर। कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नामांकन दाखिल में शामिल होने के लिए भाजपा के दो कद्दावर नेता पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े व पूर्व विधायक दीपक पटेल बीच रास्ते कटघोरा में ही आपस में भिड़ गए। दीपक पटेल के समर्थकों ने इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े को दोषी ठहराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की दलील है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के फरार होने पर डॉक्टर रमन सिंह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका दामाद है कई दिनों से फरार, बताओ जरा कौन है वो चौकीदार। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर ट्वीट कर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसा है। इस बार सीएम भूपेश का ट्वीट बिल्कुल एक पहेली की तरह है। ऐसा लग रहा है जैसे वे लोगों से पहेली पूछ रहे हों। ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिनकी मैडम का नाम नान घोटाले में आता है, जिनके पुत्र ने खोल रखा हो विदेश में खाता, जिनका दामाद है कई दिनों से फरार, बताओ जरा कौन है वह चौकीदार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी चावल कटौती पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। राज्य के करीब 128 दाल भात केंद्रों के बाद गैर सरकारी संस्थाओं के आश्रम छात्रावास में सरकारी चावल को नहीं दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुरी तरह नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ऐसा मत करिए, हमें कम से कम 4,950 टन चावल की जरूरत है, आवंटन जारी करिए। राजधानी से गुजरने वाली नेशनल हाईवे में एक चलती वैन में आग लगने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। यह घटना राजधानी के तेलीबांधा नेशनल हाईवे में स्थित कोटियाट मैरिट होटल के पास की है, जहाँ आज सुबह करीब 12 बजे एक चलती वैन में अचानक आग लग गई है, जिसके चलते गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र है। मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक चुनाव सभा में कहा, इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है, और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं ढकोसला पत्र कहना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को फोन में जान से मारने की धमकी मिलने के बाद तेज प्रताप यादव द्वारा संबंधित थाना में इसका शिकायत दर्ज कराया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अज्ञात नंबर से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने पटना स्थित सचिवालय थाना में मामला भी दर्ज करवाया है। डीएसपी राजेश कुमार प्रभाकर मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव में बिहार के 20 सीटों पर तेज प्रताप यादव ने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महमूदा मुफ्ती ने अमित शाह के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का जिन शर्तों के साथ भारत में विलय हुआ था, अगर उन्हें ही वापस ले लिया जाता है तो वे मुल्क से अपना विलय तोड़ देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर अमित शाह अनुच्छेद 370 या 35A की डेडलाइन तय कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी यही डेडलाइन है। बता दें कि मुफ्ती ने अमित शाह के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ने 2020 तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म करने की बात कही थी। आरबीआई के पूर्व महाप्रबंधक बेरिल बी संगमा तुरा कांग्रेस में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आर्थिक नीतियों से तंग आकर उन्होंने यह फैसला लिया। कांग्रेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े अफसर भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल शर्मा को समर्थन देने के लिए ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की आर्थिक और वित्तीय नीतियों से हो रही बर्बादी उनसे नहीं देखी गई, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर जनता को जागरूक करने का फैसला लिया है। आरबीआई के इस पूर्व अफसर की ज्वाइनिंग से मेघालय में मंगलवार कांग्रेस के लिए अच्छा दिन साबित हुआ। बॉलीवुड एक्टर कमाल खान के ट्विटर गन का शिकार हुए विराट कोहली, ट्वीट कर कहा, विराट है सबसे खराब कप्तान। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव और आईपीएल, इन दोनों ही चीजों की धूम मची हुई है। बॉलीवुड के दिग्गज इन दोनों इवेंट में सीधे तौर पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान भला कैसे पीछे रह सकते हैं।
वह दोनों ही इवेंट को लेकर लगातार ट्वीट करते रहते हैं। उनके ट्विटर गन पर हमेशा कोई न कोई निशाने पर रहता ही है। इस बार इनके निशाने पर आए हैं विराट कोहली। आरसीबी के खराब परफॉर्मेंस से नाराज कमाल आर खान ने कहा कि विराट सबसे खराब कप्तान है। पिछले 12 वर्षों से नक्सली मामले में सजा काट रही महिला नक्सली निर्मलक्का को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट में पुलिस द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के आधार पर कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। निर्मलक्का पर बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न थानों में 157 मामले दर्ज थे। बता दें कि वर्ष 2007 में निर्मलक्का और उसके पति चंद्रशेखर रेड्डी को राजधानी रायपुर में 5 जुलाई 2007 को गिरफ्तार किया गया था। निर्मलक्का के खिलाफ वर्ष 2007, 2008, 2014 और 2015 में भी नए मामले दर्ज पुलिस द्वारा किया जाता रहा, मगर एक भी सबूत पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। तो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज पर। और हाँ, YouTube में हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।